हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलेख कलाकृति। सो जैसे कि कल मेरा बर्थडे था और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर वॉर्म विशेस। सो टुडे आई थॉट कि आपसे कुछ अपनी बातें शेयर करूं, अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करूं और साथ के साथ एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ड्रॉ करने का मैंने सोचा कि उसमें मैं हाउ आई फील द आर्ट, हाउ आई फील एज एन आर्टिस्ट, ये सब बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूँ एंड मैं अपने थॉट्स इस पेंटिंग के थ्रू भी डिलीवर करना चाहता था। तो सबसे पहले मैंने एक डार्क सा बैकग्राउंड चूज़ किया, फिर रोलर्स वगैरह की हेल्प से उसके ऊपर मैंने टेक्सचर ड्रॉ करा और ज़्यादा लाइट टेक्सचर नहीं, उसी डार्क कलर से मैंने टेक्सचर ड्रॉ करा। फिर इसमें थोड़ा बहुत मैंने पिंक मैजेंटा का कॉम्बिनेशन से एक और डिफरेंट लेयर से देने की ट्राई करी रोलर की हेल्प से। सो यहाँ पे मैं मास्किंग टेप का यूज़ कर रहा हूँ जिसकी हेल्प से पार्टीशन हो जाता है। आपको पता है कलर एक दूसरे से मिक्स नहीं करते और बहुत ही स्मूथ सी लाइनिंग आपको मिलती है। तो यहाँ पे मैं वो पार्टीशन करने की ट्राई कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं दो ले कैनवस को दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक ये ट्रायंगल के इनर रीजन और ये ट्रायंगल का आउटर रीजन। तो यहाँ पे मैं ये रिप्रेजेंट करूँगा कि ट्रायंगल का इनर रीजन वो मेरे क्लोज रीजन है जिनसे मैं इन्फ्लुएंस होता हूँ कभी कभी, और जो इस ट्रायंगल के बाहर है वो ऐसा रीजन है जिससे मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता। हाँ, बातें सुनता हूँ, सब कुछ है, पर उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होता। आपका इनर सर्कल होता है वो आपके बहुत क्लोज होता है, उनके ऊपर कुछ होता है तो उस चीज़ का इफेक्ट आप पे भी पड़ता है। तो यहाँ पे जो मेरा मेन फोकस होगा वो मेरा इनर रीजन होगा। इस पेंटिंग में मैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करके एक एब्स्ट्रैक्ट बनाने का ट्राई करूँगा और आई होप वो उसी तरीके से निकल के आया है जिस तरीके से मैंने सोचा है। अभी तक तो जैसा सोचा है थोड़ा थोड़ा वैसा काम हो रहा है, बट होपफुली एंड तक ही वैसा हो। सो मैं इनर रीजन को ब्राइट कलर से कर रहा हूँ, ये मेरे अंदर की पॉजिटिविटी को दिखा रही है। यही पॉजिटिविटी मेरे को नेगेटिव थॉट्स, जैसे कभी कभार जब मेरे से पेंटिंग अच्छी नहीं बनती तो उस टाइम काफ़ी नेगेटिव थॉट्स वगैरह आते हैं, तो यही पॉजिटिविटी है जो मेरे को उस चीज़ से हेल्प करती है निकलने में। सो ये पूरी पेंटिंग बेसिकली पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, इन सब के ऊपर मैं बनाई है। इनर रीजन में किस तरीके के पॉजिटिव लोग, कितने नेगेटिव लोग, और आउटर रीजन में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने ये पूरी पेंटिंग बनाई है। सो बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ आर्टवर्क मैं सही नहीं बना पाता, गलतियाँ हो जाती हैं, या फिर मैं अपना पूरा एफर्ट देता हूँ लेकिन बन नहीं पाता। तो उस टाइम क्या होता है, मेरे अंदर ना बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। तो उस टाइम मेरे अंदर जो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने में मेरी पॉजिटिविटी और मेरे जो इनर रीज़न है, क्लोज वंस हैं, उनकी पॉजिटिविटी मेरे काम आती है। तो मुझे दोबारा पेंटिंग करने में ट्राई करने के लिए और एफर्ट लगाने के लिए मोटिवेट करती है। सो यहाँ पे उन सब चीज़ों को भी मैं दिखाने का पूरा पूरा ट्राई कर रहा हूँ। इस पेंटिंग से रिलेटेड जो भी माइनर डिटेल्स होंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन एक बार आप ज़रूर पढ़ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आपको ये आर्टवर्क कैसा लगा, आपको इसमें क्या पसंद आया और क्या आप इस आर्टवर्क को अपने आप से किसी तरीके से रिलेट कर सकते हो, ये सब मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो नाइफ से मैंने पहली बार काम किया, लिटरली मानोगे नहीं आप, मैंने पहली बार काम किया और ठीक है, पहली बार के हिसाब से काफ़ी ठीक आ रहा है। अभी मैं और प्रैक्टिस करूँगा तो काफ़ी अच्छा, इससे भी अच्छा मैं कर पाऊँगा, मुझे पूरा यकीन है। और यहाँ पे मैं क्लोथ की हेल्प से उसको नीचे वाली लेयर के साथ मर्ज कर रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाता और ब्रश से करने में थोड़ा सा काफ़ी आगे तक जाता, तो क्लोथ की हेल्प से बहुत ही ईजिली ये हो गया। और इसी टेक्निक को मैं पूरे इस पर अप्लाई करूँगा और मैं
ब्लैक कलर पॉजिटिव कलर के ऊपर, मतलब जो मैंने ब्राइट कलर किया था उसके ऊपर करो, तो आई होप आप उसका मतलब खुद ही समझ जाओगे ब्लैक कलर यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मैं खाली टेप के उस सर्कल से डिफरेंट डिफरेंट टेक सर्कल यहाँ पे बना रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे मेमोरी बबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वैसे, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और मैं डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर रहा हूँ इन बबल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए। फिर मेरे को यहाँ पे ऊपर के ये दो ट्रायंगल वाले स्ट्रक्चर काफ़ी खाली लग रहे थे, तो यहाँ पे मैंने इनके बेसिक कलर ही जो उनमें साइड में थे उन्हीं कलर से टेक्सचर देने के ट्राई करा पन्नी की, इसका यूज़ करके रोलर और इस पॉलिथीन का, बट वो टेक्सचर आया नहीं जैसा मैं चाहता था। अब फिर मैंने क्या किया, इसी पॉलिथीन से उसको रैप करके उसको नीचे वाली लेयर के साथ थोड़ा सा मर्ज करने स्टार्ट किया। वो जो फैन ब्रश वाला इफेक्ट आता है उसको मैं इससे क्रिएट करने का ट्राई किया, काफ़ी अच्छा निकल के आया। देन यहाँ पे मेरे जो क्लोज वन में पॉजिटिव पीपल्स हैं उनको मैंने इस गोल्डन कलर से रिप्रेजेंट किया, और क्लोज वंस में आपके नेगेटिव पीपल्स भी होते हैं बट उनसे आपको फ़र्क पड़ता है, ऐसे लोग आपके पास आसपास होते हैं, तो उनको यहाँ पे मैं ब्लैक वाले से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये। अगर आपको सीरियसली पसंद आ रहा है तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाना।첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보면 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going going आई होप आपको ये एब्स्ट्रैक्ट वर्क पसंद आया होगा। सो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए स्टे एट होम स्टे सेफ। जय हिंद।